डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी और मैं हूं आपके साथ सिया। ऊंचा सदीक नगर निसाड़ी गेट में आज दोपहर एक भाई को दूसरे भाई ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गोली लगने से घायल छोटे भाई को पास ही स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस विवाद के पीछे मकान कब्जाने का विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी हमलावर की तलाश शुरू कर दी है। घायल युवक का नाम मुंतलिब है, जबकि माजिद पुत्र जमील फरार बताया जा रहा है। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी ने यह जानकारी दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ, भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता मेरठ महानगर से हूँ। तो आसिफ जी, यहाँ पर क्या घटना हुई थी? अभी 2 बजे के लगभग आसपास ऐसा था, छोटे भाई के बड़े भाई ने गोली मार दी, जिसका नाम खालिद था, और इनकी 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है जिसपे विवाद चल रहा है सालों से। हमने उसमें कुछ लोगों को, सम्मानित लोगों को बिठा करके फैसला भी करा दिया था, मगर आज पता नहीं कुछ अंदरूनी कोई बात हुई होगी घर में, आकर के हमने दवा दी थी, उसके पेट के अंदर गोली मार दी, जो छोटा भाई है। कब से विवाद चल रहा था? ये 1 साल के आसपास से विवाद चल रहा था। तो कहाँ पे लगी है गोली? गोली घर के बाहर ही लगी है, नाले पे लगी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन को दबाना ना भूले। वर्धमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।